हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहे हैं लूसेंट जूके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, और नेक्स्ट ईयर एग्जाम के अंदर इनके आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी है दोस्तों आईने अकबरी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द होता है दोस्तों हॉकी के अंदर प्रयुक्त होता है बुली शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो उड़न परी है, उड़न परी किसे कहा जाता है? तो भारत की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है पीटी उषा, पीटी उषा को ही उड़न परी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं भारत के अंदर वो उदयपुर शहर के अंदर ही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें तो आर्य समाज की जो स्थापना है कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई के अंदर की गई थी दोस्तों 1875 ईस्वी के अंदर आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रत्येक 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो किस के जन्म दिवस के रूप में शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो जो भारत के जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो उनकी जो जन्मदिन है उसकी याद के अंदर ही शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये मुंबई के जो ट्राम बे एरिया है उसके अंदर स्थित है दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों बारदोली आंदोलन का नेतृत्व। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जीके क्वेश्चन देख सके दोस्तों और अपना एग्जाम क्रैक कर सके दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपका कोई सुझाव है विचार है अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट के माध्यम से टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो अंत में जय हिंद वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।